दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए पूछे गए ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानेंगे। अगर आप लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यह एग्जाम 3 मई 2019 को आयोजित की गई है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र सेट यह भी है, आपका कोई भी सेट हो, इनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नंबरिंग चेंज है, क्वेश्चन सबका सेम है आपका जो भी हो, क्योंकि सेट जो है टोटल 10 ग्रुप में बांटे गए हैं ABCD करके, तो ये बी ग्रुप है, इनसे कोई लेना देना नहीं। आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन, आपका ग्रुप ए हो या बी हो, कुछ भी हो, CDE, किस प्रकार से मिलाएंगे। यहाँ पर है कि एड्स कैसी बीमारी है, तो देखिए अगर आपका ग्रुप बी है तो ठीक है, सीरियली मिलेगा, नहीं तो कोई अन्य सेट है, तो आपको खोजना है कि एड कैसी बीमारी है, तो आपके किस नंबर में है, उस क्वेश्चन को ढूंढ लेना है वीडियो को रोक करके। तो देखिए इनका सही ऑप्शन बी होगा, आंसर होगा विषाणु जनित। तो एड्स जो है यह वायरस डिजीज है। दूसरा क्वेश्चन है, मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है क्योंकि, देखिए पानी की कमी के कारण मॉस का पौधा जो है शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। तो दो का सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए आधुनिक मानव का जो है साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 4, जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। तो देखिए जेम्यूल्स का निर्माण जो होता है वो स्पंज में होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा स्पंज में। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो यह गेंडा के लिए विख्यात है, तो 5 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, सहेली क्या है। तो देखिए सहेली आपको हो गया नॉन स्टेरॉयडल गोली और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा बी तथा सी दोनों। अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा लेग्यूमिनोसी, तो 7 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरेला किसका उदाहरण है। तो देखिए क्लोरेला जो है ये एकल कोशिका प्रोटीन है और साथ ही ये एल्गी का एग्जाम्पल है, तो 8 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडीन का इस्तेमाल है। तो देखिए एंटीवेनम के रूप में, एंटी कोएगुलेट और एंटीबायोटिक्स, तो इनका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 10, किसी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो देखिए ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह बहुदिशीय होता है, मल्टी डायरेक्शनल, तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 48। क्वेश्चन नंबर 12, लेक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। तो देखिए बढ़ रही भ्रूण का ये जो पहला संकेत होता है वो होता है अंगों का विकास। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, मरुद विधि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इनका उदाहरण आपको नागफनी हो गया, ऑप्शन डी नागफनी। क्वेश्चन नंबर 15, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए बहुत जगह आपको आंसर मिलेंगे बेटसन, लेकिन अनुवांशिकी शब्द जो दिया ये आपको जीजे मेंडल, तो इनको अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, तो 15 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, जल धारण की क्षमता किसमें अधिकतम किसमें होती है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, क्ले में, क्ले मतलब हो गया चिकनी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है।
अगला क्वेश्चन 17, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? तो देखिए ये मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, काजू निम्नांकित में से कोई सा फल कहलाता है? तो देखिए काजू जो है ये ब्राजीलियन नट है, तो 18 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा नट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी डीएनए में कूट जीएससी का प्रतिकूट क्या होगा? तो इनका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। रेस्ट जो क्वेश्चन बचे हैं इनका आंसर रात के 8 बजे या नहीं तो कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएंगे। रेस्ट का आंसर पाने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि जैसे ही अपलोड करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप 3500 ऑब्जेक्टिव को मिला सके। 11th में नामांकन से संबंधित, ग्रेजुएशन में नामांकन से संबंधित, जनरल सॉल्यूशन का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।